तो अगर व्यूवर्स को अगर घर पे रोस्टेड चिकन बनाना हो एकदम लाजवाब इसी तरीके का जैसे दुकान में भी बनता है और उनके पास इस तरह का कोई सेटअप नहीं है तो फिर वो कैसे बनाएंगे बताइए। बहुत आसान तरीका है, बहुत ध्यान क्यों से बनाते इतना हैं। आसान तरीका कैसे है? अगर मैं इतना आपको आसान बताता हूँ, तरीका है थोड़ा सा रोस्टेड मेहनत चिकन है बनाने इसमें, का तो फिर सारे लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? थोड़ा आप सा मेहनत बताइए। है और अंदर से जो है आपको रहना चाहिए कि मैं जो है तंदूरी खाने का शौक है। अगर आपको क्रेविंग होती है कि मैं तंदूरी खाऊंगा तो आप घर पे बहुत प्यार से बना सकते हैं। थोड़ा कैसे मेहनत कैसे यह है बनाएंगे कि कैसे पहले आपको बनाएंगे क्या चिकन क्या? लाना है और इसमें जो है चिकन आपको जब आपको खाना है उससे कम से कम 6-7 घंटे पहले लाना है ये चिकन, 6-7 घंटे? ओके ताकि आप इसमें जो है सारे मसाले वगैरह मिक्स वगैरह करके इसको रख सकें। जब आप इसको ओके कुछ टाइम के लिए रखेंगे 4-5 घंटे, फिर उसके बाद आप इसको रोस्ट कीजिए। तो रोस्ट रोस्ट के लिए अगर जैसे दर्शकों के पास अगर इस तरह का सेटअप नहीं है तो फिर कैसे रोस्ट करेंगे? इसका एक और उपाय है, अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप जो है गैस का यूज़ कर सकते हैं। गैस पे पहले आप ये मसाले वगैरह मिला के थोड़े टाइम के लिए रखिए, थोड़े टाइम के बाद उसको हल्का सा पकाइए। जब वो पक जाए तो फिर उसको जो है आप अच्छा, तवे मतलब पे आप भी कह रख रहे हैं सकते कि हैं। कढ़ाई में पका ले उसको यस, थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, आधा पकाने के बाद जो है उसके फिर बाद हम उसको उसको हल्का सा रोस्ट, गैस पे रोस्ट कर लीजिए। उसको गैस पे कोई भी गैस पे एक ऐसी चीज़ जिस पे जैसे ताव छोटा मोटा आग टाइप का है हम लोग रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी देखिए हमारे पास आ चुका है दही, खतरनाक दही ये आपको बता रहा हूँ, ये फ्रेश क्रीम है, ये सॉरी क्रीम है, मेरा, ये ये फ्रेश क्रीम है, ये घर दही का, जैसा लग रहा है। ये घर का बना हुआ फ्रेश क्रीम है, ओ कोई भाई, मार्केट और का ये नहीं तेल है। कैसे निकल गया? ये तेल जो है ये बटर को पिघलाया हुआ है, अरे वाह, और ये बटर ये है, जो है ये बटर को पिघला के लाया हुआ नीचे से, और ये हमारा जो है ये फ्रेश क्रीम है, फ्रेश होममेड क्रीम, फ्रेश क्रीम है। होममेड इसके फ्रेश क्रीम। अलावा जो है मैं आपको दिखाऊंगा दही, और ये जब ये रोस्ट होगा तो इसमें मैं आपको मिला के तब दिखाऊंगा कैसा टेस्ट आता है। चलिए दर्शक हमारे इंतजार करेंगे, फटाफट दर्शक में देख बिल्कुल लीजिए कौन कौन है। अरे वाह, अरे बैठे हैं, इधर भी दर्शक है। ये देखिए दर्शक पहले से तैयार हैं, मुंह पे कपड़ा बांध कर। और देखिए, और आज रोस्ट चिकन सीख कबाब और रोस्टेड चिकन के साथ साथ और हमारे पास क्या बन रहा है दोस्तों? ये कौन बना रहा है? मिशिका बना रही है। गोविंदा चाचू बना रहे हैं क्या? हाँ गोविंदा चाचू। और ये देखिए, ये नॉर्मल चिकन है, जैसे आप घर पे बनाते हैं वैसे ही आप बना सकते हैं, बट हमने क्या किया है कि लकड़ी की आंच पे बना रहे हैं। लकड़ी की आंच पे बनाने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है ज़बरदस्त, और आप लोग को तो पता ही है। देखिए धीमी आंच में पका रहे हैं, हल्के हल्के बुलबुले छोड़ रहे होंगे जैसा देख रहे होंगे, बहुत ही धीरे धीरे धीमी आँच पर हमने बना रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये पक रहा है, ये देखिए।